हाय, मेरा नाम है गुलफाम खान हुसैन और आप मुझे अब दंगल के शो में देख सकते हैं मनोरमा के रूप में। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन लेवल आप जानते हैं दुनिया में कितना कम हो गया है और ऑक्सीजन की इस वक्त पैंडमिक में कोविड के वक्त कितनी ज़रूरत है। हम सब ऑक्सीजन की किल्लत से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, देख रहे हैं अपने आप आसपास। और ऑक्सीजन क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमने पेड़ काटे, हमने धरती को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, जंगल के जंगल काट दिए और आज हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। अब इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? कुछ उगाकर। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बड़े बड़े वृक्ष उगाने हैं और बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए और एकड़ों ज़मीन चाहिए। जितनी भी ज़मीन है, अगर आपने दो वृक्ष, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम थोड़े बीज ले जाते हैं, कभी संतरे के बीज, कभी आम का, और उन्हें ज़मीन में गाड़ देते हैं। जब 500 डालोगे कम से कम 10 तो उगेंगे। अगर आप यही कर दो किसी भी रैंडम जगह पे, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, आपने सेब खाया और आपने वो बीज से बाहर फेंक दिए, तो कुदरत उसे उड़ा कर ले जाएगी और कुदरत अपना रास्ता बना लेती है। अगर ये नहीं कर सकते आप, तो प्लांट्स उगाइए, पौधे लगाइए। मैंने लगाया है, दिखाऊं? चलिए। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन जो मैंने घर में बना रखा है। ये सारे प्लांट्स जो हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इसे कहते हैं मदन लॉस टम। एक्चुअली साइंटिफिक नेम इसका संसेरिया है, पर मैं ये नहीं जानती व्हाई इट इज कॉल्ड मदन लॉस टम। शायद ये टेढ़ी और लंबी है, इसके लिए इसको सासू माँ की जबान कहा जाता है। ये भी इसी का एक तरीका, इसी की एक जाति है। थोड़ी कैक्टस हैं, सिगोनियम है, मनी प्लांट है, जीजी प्लांट है। तो सिर्फ प्लांट लगाना काफ़ी नहीं होता, इनकी देखभाल करनी पड़ती है। इनकी देखभाल ऐसे करनी पड़ती है क्योंकि ये ना तो बोल सकते हैं, ना हम समझा सकते हैं, ना तो हमें जता सकते हैं इमोशनली इन्हें क्या ज़रूरत है। तो हर प्लांट को पानी देने का तरीका भी अलग होता है। आप उंगली डिप करिए, ऊप्स इसे पानी की ज़रूरत है। आप उंगली डिप करिए, इसे भी थोड़ी ज़रूरत है। आप उंगली डिप करिए, नहीं भाई इनका तो पेट भरा हुआ है। तो आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, मनी प्लांट, छोटे छोटे टुकड़े मैं काट के, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके टुकड़े काट के कहीं और लगा देती हूँ, उनके टुकड़े काट के कहीं और लगा देती हूँ, इसी तरह प्रोपगेट करती रहती हूँ। और उनके पत्तों को, जैसे आप देख रहे हैं ये पत्ते साफ हैं, ये पत्ते साफ हैं, लेकिन इन पे ना थोड़ी सी धूल जम गई है, तो उस धूल को भी साफ करना पड़ता है ताकि ये सांस ले सके। फोटोसिंथेसिस तभी होता है, फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने का प्रोसेस जो होता है प्लांट्स का, वो तभी होता है। अब मैं आपको मेरा आउटडोर वाला छोटा सा मिनी गार्डन दिखाती हूँ। चलिए। और ये है मेरा आउटडोर गार्डन। मैं एक फ्लैट सिस्टम में रहती हूँ मुंबई में, तो हमारे गार्डन या टेरेसेस बड़े नहीं होते, हमारे पास बहुत लिमिटेड जगह होती है। पर उस लिमिटेड जगह को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इतना छोटा सा मिनिएचर गार्डन जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। उसमें जितनी चीज़ें हैं और उनमें से काफ़ी मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो ये आएगा कैमरा यहाँ, ये छोटी सी साइकिल है, इसमें ऑर्किड है, इसमें मनी प्लांट है और ये है मेरा मिनिएचर गार्डन। ये घर मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये बेंचेस, ये पत्थर जिसपे बाबा जी हैं छोटे से, ये सारा मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मैं रात में ये ऑन कर देती हूँ, ये आपको मैं ऑन करके दिखाती हूँ। तो मैंने मोटर लगा ली है और ये फाउंटेन बनाया है, इस फाउंटेन का पानी इसी में जाता है, इसी से रिसाइकिल होता है। इसमें मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए हैं। तो ये हो गया मेरा मिनिएचर गार्डन। और ये है घर का गार्डन। आप देख रहे हैं मैंने दीवार की जगह पूरी तरह से यूटिलाइज कर ली है, क्योंकि चौड़ाई नहीं है हमारे पास, इसलिए लंबाई में मैंने जितने हो सके उतने प्लांट्स लगाए हैं, और भी लगाऊंगी। बट ये एक स्टैंड है जिसपे वैसे तो 6 प्लांट्स आ सकते हैं, पर मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्लान करके उसमें 10-12 प्लांट्स लगा दिए हैं। ये बड़े हैं, ये मोगरा है, वहाँ गुलाब है और सदाबहार है, बेर की बेल भी लगाई है जिसे अभी मैं निकाल के अपने फ्रेंड के गार्डन में लगा दूंगी, क्योंकि आज जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास गार्डन नहीं है। फंसी की बेल है जिसे मैं लगा दूंगी वहीं मिट्टी में, पर थोड़ा बढ़ गई है तो इसे मिट्टी में गाड़ना पड़ेगा।
और बाकी ये छोटे छोटे फूल पौधे। पर मोस्टली अगर आप गौर करें तो मेरे पास वो प्लांट्स हैं जैसे मनी प्लांट है या मदर इन लॉ स्टंग है या जीजी प्लांट है, जो बेसिकली इंडोर प्लांट्स होते हैं। वो आपको बहुत ऑक्सीजन देते हैं दिन में और रात में, वरना ये जो मोस्ट दूसरे आउटडोर प्लांट्स हैं ये आपको ऑक्सीजन सिर्फ दिन में देते हैं। ये बहुत रेयर है, ये पहाड़ों की बेल है, इट इज कैक्टस ऑफ द माउंटेन्स। और ये है स्टैगहॉर्न, ये भी बहुत रेयर है। ये मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। So this is my little garden, and say hello Groot. Hello Groot. Why shy? So ये है मेरा छोटा सा garden, और ये हूँ मैं। आपसे यही कहना चाहती हूँ कि धरती को खूबसूरत बनाना हमारा काम है। प्लांट्स लगाइए, पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, और इस दुनिया को फिर से रहने लायक बना दीजिए।